हेलो सो है मोनिशा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। तो यार ये लास्ट एपिसोड होने वाला है हमारी सीरीज का और ये ताजमहल व्लॉग का पार्ट टू है। अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जाके देख लेना एंड पार्ट टू को एंजॉय करो। गाइस आ गए फाइनली ताज के पास। ओह माय गॉड यार, मतलब इतने सालों के बाद देख के ना अजीब अलग टाइप का लगता है। बहुत मतलब बिलीव नहीं हो रहा यार, ये मूवीज वगैरह में देखते थे और इतने सालों बाद फिर से अमेजिंग। एंड यार अब मैं आपको मतलब इसकी हिस्ट्री वगैरह बता के बोर नहीं करूँगा, वो तो आपको सब पता ही होगा। बाकी यूट्यूब पे तो अवेलेबल ही है वीडियोस। अभी मैं बस व्यू एंजॉय कर रहा हूँ यार। अपन व्लॉग भी थोड़ा कम ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहती हैं और मैं चाहता नहीं कि अपन रूल तोड़ें और दिक्कत आ जाए। चलो यहाँ से व्यू काफ़ी बढ़िया, मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। वहाँ से अपन अंदर आ गए और ये कितना क्राउड है आप एक बार चेकआउट करो, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है। एंड ये यार थोड़ा सा टिल्टेड है, जैसे आपको पता है भैया ने 5 डिग्री बताया, अब आई एम नॉट श्योर 5 डिग्री टिल्ट हो। और वो भी है बाहर का व्यू, मतलब एकदम मैं फील आ रहा है। मैं थोड़ा मास्क उतार के, खाली जगह है तो मैं सांस अच्छे से ले रहा हूँ। अमेजिंग यार जस्ट, और प्लीज़ डोंट सिट ऑन रेलिंग लिखा हुआ है तो अपन तो बैठ बैठेंगे नहीं। ना हर किसी का ड्रीम होता है मतलब ताजमहल को देखना। फिलहाल तो मेरा पूरा हो गया है, अब एक और ड्रीम है कि ताजमहल को थोड़ा अंधेरे में देखना, बट वो आज अपन नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपको तो पता है मेरी ट्रेन है। बट कोई बात नहीं यार, ताजमहल देख लिया और क्या ही चाहिए, मतलब पूरा फ्रेम में भी नहीं आ रहा ये। एंड थोड़ी क्वालिटी आप लोग मैनेज कर लेना क्योंकि कैमरे से अपन शूट नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। और अभी थोड़ा लाइटिंग का इशू आ रहा है पता नहीं क्यों। यहाँ कहीं भी आप देखोगे ना व्यू एक नंबर है, देख लो यार अब। और ये ऊपर जाना अलाउड नहीं है, मतलब बंद पड़ा है। अंदर सीढ़ियाँ जैसे गाइड भैया ने बताया मेरे को, वैसे तो बंद रहता है, शायद क्लीनिंग के लिए जब ओपन होता है तब कुछ विजिटर्स घूम आते हैं अंदर। बाकी यार काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं तो यहीं देख के अपना व्यू इन्जॉय कर रहा हूँ। इस साइड आ गया हूँ, वहाँ से अपन वहाँ थे, अभी यहाँ पर आ गया हूँ मैं। यहाँ पे भी देखो कितना टॉल है यार ये पूरा। हाँ अब आया फ्रेम में, काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पे जो आप देख रहे हो वहाँ से काफ़ी बढ़िया व्यू आता होगा ताजमहल का। फिलहाल अपन पता नहीं वहाँ कैसे जाना होगा, अगर कभी जाना होगा तो यार आपको तो दिख ही जाएगा। वहाँ से देखो ना ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू आता होगा, पता नहीं वहाँ कैसे जाते, पूछताछ करता हूँ वहीं से। और ये एक रिवर भी है, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं श्योर नहीं हूँ तभी मैं बोलूँगा नहीं। इस व्यू के लिए 200 रुपीज़ वर्थ इट है आना, मतलब अगर आप 200 दोगे और आपको ये व्यू मिले तो यार कौन ही नहीं आना चाहेगा, सब आएंगे। तो यार जस्ट चेक इट आउट। एंड यहाँ मैं थोड़ा मास्क पहन लेता हूँ क्योंकि मास्क इज़ ज़रूरी। मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहा था कैमरे से सेल्फी ले रहा था। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रील्स बना रहे हैं, टिकटॉक तो बैन है बट कुछ चाइनीज़ है वो भी बना रहे हैं रील्स, वहाँ से शायद बैन नहीं है। और देखो पीछे जो थोड़े बच्चे हैं वो टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं, तो वही मैं देख रहा था। और यहाँ पे काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब यहाँ छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा। बट अभी अंदर जाके अपन घूम के आएंगे, अंदर भी देखना है। तो अपन चलते हैं अंदर और ताजमहल के जस्ट बगल में वॉक करते करते अपन व्लॉग कर रहे हैं, काफ़ी मेरे लिए बड़ी बात है। चलो चलते हैं, तो अंदर तो अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग करना, तो मैं कैमरा और मोबाइल अंदर रखता हूँ। एंड वहाँ से एंट्री नहीं थी, वहाँ से एग्जिट है। एंट्री आगे से जहाँ से अपन एंटर किए थे, तो मैं पहले पीछे आ गया, बट पहले वहाँ से अपन एंट्री लेंगे देन पीछे से एग्जिट है। चलो पहले एंट्री लेते हैं अंदर। वैसे तो टिकट ले ली थी, यहाँ के अंदर की टिकट होती नहीं है, जो 200 रुपीज़ है पूरा आपका इंक्लूडेड रहता है। और अगर आपको ताजमहल के अंदर आना है 250 रुपीज़ लगेगा, वो तो आपको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है उनको बता दिया 250 रुपीज़ टोटल टिकट का प्राइस है। बाकी जो ऑटो वगैरह का कैब वगैरह वो तो अलग ही चार्जेस है। अपन आ गए अंदर से, काफ़ी सुंदर लगा है मेरे को यहाँ पे, फ़ोटो के लिए काफ़ी बढ़िया स्पॉट है, बट अपन नीचे जाके फ़ोटोज वगैरह खींचेंगे। अंदर रिकॉर्डिंग एंड फोटोग्राफी वॉज नॉट अलाउड, बट पीपल यार फिर भी ले रहे थे। आई डोंट नो क्यों ऐसे रूल्स तोड़ते हैं, बट मैंने नहीं ली, तभी आपने देखा भी नहीं होगा। मैं तो मोबाइल और कैमरा अंदर ही रख दिया, क्या पता यार निकाल के फॉर्मेट ही कर दें, सारा डाटा उड़ जाएगा। चलो यहाँ थोड़ा बहुत अपन इन्जॉय करते हैं, देखते हैं व्यू इन्जॉय करते हैं यार, वन इन अ लाइफ।
सो चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी टाइम मैं बैठा रहा यहाँ पे, मतलब घूम रहा था, फोटोज वगैरह खींच रहा था, क्योंकि अकेले खींचना था, तभी कोई था नहीं, तभी मैं किसी को दिया भी नहीं कैमरा खींचने को। चलो निकलते हैं यार, चलो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जब रात में आएंगे अपन, मतलब रात में, शाम में, रात में तो एंट्री बंद रहती है, बट रात में थोड़ा 5 बजे एंट्री बंद होने के बाद 6:30 तक रहता है, 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है, तो मार्बल चमकते हैं उस टाइम। लेट्स सी, देखते हैं कब वो दिन आता है। यहाँ से एग्जिट, चलो चलते हैं नीचे, एकदम जाना है फिर वहाँ जाएंगे अपन। यहाँ से मैं आ गया हूँ, अब अपन इधर जा रहे हैं, यहाँ पे देख लो काफ़ी ब्यूटीफुल है। पर मैं आ गया हूँ दूसरा यहाँ पे, ठीक है, और आप मैं कमेंट करके ज़रूर बताना आप में से कितने लोग ताजमहल आए हो और कितनी बार आए हो। फिलहाल तो मेरे सेकेंड टाइम है शायद, हाँ सेकेंड टाइम ही है, एक बार पहले आया था। इस साइड मेरे ताजमहल और यहाँ पे है, इसका मैं भूल गया शायद किंग्स पैलेस है, किंग महल, पता नहीं, याद नहीं मेरे को, डोंट कोट मी ऑन दिस, आप कमेंट करके बता देना मेरे को, क्लियर कर देना। और हाँ अब ठीक है लाइटिंग में, क्योंकि सूरज ऊपर में ना। चलो यार चलते हैं, यहाँ पे देख लिया मैंने, थोड़ा बैठता हूँ, थोड़ा इन्जॉय करता हूँ व्यू यहाँ का, यहाँ से क्या फ्रेम आ रहा है यार। अभी मैं आ गया यहाँ पे, देखो कितना ह्यूज है, हर चीज़ यहाँ पे ह्यूज है। मैं सोच रहा हूँ उस टाइम बनाए कैसे होंगे यार लोग, मतलब जो भी कारीगर थे, अब इतना ह्यूज, और उस टाइम तो कुछ होता भी नहीं था। अभी तो चलो फैसिलिटीज़ हो गई हैं, ये देखो यार अमेजिंग। एंड ऊपर पता नहीं जाले हैं या रस्सियाँ लगी हैं, हाँ रस्सियाँ लग रही हैं मेरे को, आप देखो रस्सियाँ ही लग रही हैं। वाह, एक कबूतर भी बैठे हुए हैं ऊपर। तो यार मैंने यहाँ अंदर घूम लिया है, काफ़ी बढ़िया लगा, और यहाँ पे मैं ताजमहल के पास बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ। अभी निकलेंगे थोड़ी देर बाद अपन, और ट्रेन तो अपनी आराम से, तभी मैं आज का दिन ताजमहल के लिए रखा था, कि आज के दिन अपन सिर्फ ताजमहल घूमने वाले, तो घूम लिया यार काफ़ी बढ़िया लगा। अभी अपन को आगे भी जाना है, आगे कुछ है शायद, चलो देखते, थोड़ा मैं बैठता हूँ, चिल विल करते हैं यहाँ, थोड़ा नेटवर्क भी आ रहा है, थोड़ा अपन इंस्टाग्राम पर स्टोरीज वगैरह अपलोड कर देते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं खाना वगैरह कुछ खा के नहीं आया हूँ, और यहाँ आके मेरी सब भूख प्यास मिट गई है। ताजमहल को देख के यार मतलब अलग सा फील आ रहा है, मतलब वाइब्स होती है ना वो आ रही हैं, और जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं ताना जी वगैरह सब, मतलब दिमाग में बताऊँ पिक्चर आ जा रही है कि ये ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलो निकलते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है, मैं जाता हूँ कुछ खाने पीने, और होटल भी जाना है, वहाँ से मेरे को अपना लगेज वगैरह भी उठाना है। काफ़ी बढ़िया लगा, और फ़ोटोज़ के लिए मैं देख रहा हूँ मेरे को कोई मिल जाए यार, एक दो फ़ोटो क्लिक कर ले, क्योंकि वो गाइड ने उतनी अच्छी सी फ़ोटो ली नहीं मेरी, मैं अभी चेकआउट कर रहा था इसमें, तो देखते हैं किसी को मैं पकड़ता हूँ, बस एक फ़ोटो ले ले जिससे कि मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँ और एक मेमोरी बन जाए। फाइनली मैंने फ़ोटो क्लिक करवा लिए, एक भैया मिल गए थे, उनको मैं बोला कि मेरी एक दो फ़ोटो क्लिक कर दीजिए, तो उनने खींच दी। चलो यार निकलते अपन ताजमहल, फिर आएंगे अपन कभी और, चलो यहीं से शायद एग्जिट यहीं से, चलो निकलते। मैं आ गया हूँ नीचे, और यहाँ से बहुत फेमस चीज़ देख रहा हूँ, फाउंटेन्स पीछे, ताजमहल मस्त, पेड़ वेड़ काफ़ी सुंदर है यार, मतलब ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है। वाह यार यहाँ के बताओ मन नहीं भर रहा, मतलब यहाँ लग रहा है कि बैठे रहूँ बस देखते रहूँ, सुंदर ही इतना है। चलो चलते हैं अपन, और वहाँ अपन नहीं गए, वो शायद सेम ही है, आई डोंट नो, देखता हूँ मैं जाए या तो, यार आए तो अपन चलते ही हैं। वाह यार यहाँ पे पानी बहुत साफ़ है, क्योंकि ब्लू कलर का नीचे पेंटेड है, तो ये पूरा ब्लू वाटर लग रहा है। उधर पता नहीं क्या है, चलो चलते हैं अपन। मैं ऊपर आ गया था यहाँ पे, जो फेमस, जहाँ हर कोई खिंचवा रहा है फ़ोटोज़, देखो कितने सारे लोग हैं यार, मैं तो अपनी खींच लिया सेल्फी वगैरह, काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो कितनी भीड़ है यार, सब अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब कोई व्यू को एंजॉय नहीं कर रहा। जैसे मैं तो चलो थोड़ा बहुत शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए, बाकी अपन तो बहुत देर तक बैठ गए, और अभी अराउंड 2 बज गए हैं, और मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, चलो देखते हैं बाहर में, बाहर में अभी घुमा हूँ नहीं मैं। तो गाइस अब मैं फाइनली कैमरा पे स्विच कर लिया हूँ, अब मतलब अपन अलाउड है यहाँ पे वीडियो करना। आ गया हूँ मैं यहाँ से, पीछे ताजमहल आपको दिखाई दिया, और मोबाइल से शूट किया था। चलो चलते हैं यहाँ से, अब निकलते हैं, यहाँ मास्क लगा लेता हूँ, पता नहीं कौन पेंडेमिक में हो या ओमिक्रॉन हो, किसी को बता सकते नहीं है।
एंड जिस टाइम पे मैं आया था ना उस टाइम काफ़ी कम लोग थे, अब तो ज़्यादा क्राउड हो गया। अच्छे टाइम पे मैं आ गया, मैं उस साइड फ़ोटो खिंचवा रहा था वहाँ, काफ़ी बढ़िया फ़ोटो खींचने का। एंड अब मैं निकलूँगा यहाँ से क्योंकि अब भीड़ हो गई है, मैं भीड़ में ज़्यादा रहूँगा नहीं। एंड चलो अपन करते हैं अब यहाँ से एग्जिट, पीछे आप देख ही सकते हो, और यहाँ से मैं शूट कर लेता हूँ जो मैं पहले डाल दूंगा, यहाँ शूट नहीं कर पाए थे। एंड यहाँ पे सब देखो कैसे फोटो ले रहे हैं, पूरा ताजमहल। चलो चले अपन। तो यार आ गया हूँ मैं बाहर, काफ़ी सारी मैंने वीडियो शूट की और एक दो मैंने रील बनाई, कभी ऐसे अपलोड करते नहीं हो रील, बट चलो ट्राई करते देखते हैं, वायरल हो जाए तो काफ़ी बढ़िया। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, रील्स में डाल दूंगा। मास्क ऊपर कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। चलो निकलते हैं यार, काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ घूम के। ये थी एंट्रेंस यहाँ की, और ये है ईस्ट गेट और वो है वेस्ट गेट। अपन वेस्ट गेट से जाएंगे क्योंकि मेरा सामान वगैरह वहीं है और वहाँ से होटल थोड़ा मेरा पास पड़ता है, और मैं कुछ खाना वगैरह भी खाऊंगा यार। तो यार मैं आ गया ताजमहल से बाहर, और मैंने ताजमहल जो होता है ना छोटा रेप्लिका वो लिया है, मार्बल का है, पता नहीं, मैं दिखाऊंगा जाके। और अभी मैं देख रहा हूँ बाहर कैसे जाने का रास्ता है, क्योंकि मैं शायद भटक गया हूँ, आई डोंट नो। जाते हैं, और मैं ट्राईपॉड नहीं लगाया हूँ मीना बाज़ार में। यहाँ अपन कुछ खा पी रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, मैंने छोले भटूरे मंगा लिए थे अराउंड 30 रुपीज़ के, चलो खाते हैं। तो मैंने छोले भटूरे खा लिए हैं अराउंड 30 रुपीज़ के थे, काफ़ी बढ़िया था। और अभी अब मैं निकल रहा हूँ होटल, फिर वहाँ से मेरे को अपना सामान लेना है, फिर वहाँ से अपन जाएंगे स्टेशन। और अंदर का चार्ज मैंने आपको बता दिया 200 लगेगा, अंदर जाने का 50, मान लो 500 हाथ में लेके आना अगर बस आपको ताजमहल घूमना है, जिससे कि आपका आने जाने का भी खाने पीने का भी पूरा हो जाएगा 500 के अंदर। मैं बताऊँ रास्ता भटक गया था अंदर पूरा ताजमहल के, बाहर आया तो मेरे को वेस्ट गेट ही नहीं मिल रहा था, बट अभी मिल गया है। और मैंने अपनी बुलवा ली है क्या वो बाइक वाले को, वो मेरे को रेस्टोरेंट छोड़ देगा, फिर वहीं से अपन सामान लेके निकल जाएंगे स्टेशन। काफ़ी लेट हो गया है, मैं बस वहाँ खाना वगैरह खाया, छोले भटूरे खाए थे, उसके बाद अभी कुछ खाया नहीं है। अगर टाइम बचे तो अपन KFC जाके पैक करवा लेंगे, बाकी ट्रेन में खा लेंगे। A few moments later. तो गाइस अभी मैं आया था KFC कुछ खाने पीने, तो ये अपन का आ गया है, चलो खाते जल्दी से। मैंने अपने लिए पैक भी करवा लिया, ट्रेन में भी खा लेंगे क्योंकि 10 घंटे की जर्नी है, नहीं 12 घंटे की जर्नी है। चलो खाते निकलते हैं। तो यार हो गया मेरा खाना पीना, खा लिया, मैंने बर्गर मंगाया था, ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं क्योंकि ट्रेन में ऐसे ट्रैवल करना है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल, वहाँ पे मेरा सामान पड़ा है, फिर वहाँ से अपन निकलेंगे डायरेक्ट स्टेशन के लिए। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, पर हम लोग टाइम से पहले चलते हैं। तो गाइस अपन निकल चुके हैं अब स्टेशन के लिए, यहाँ था मेरा होटल, काफ़ी बढ़िया स्टे था, 2 दिन का था। अब अपन निकल लिए, सामान वगैरह रख लिया, और होटल वाले भी काफ़ी बढ़िया लोग थे, उनने मेरा मतलब सामान रख लिया था थोड़े दिन के लिए, मैं आके उठा लिया। अब निकलते हैं अपन स्टेशन, यहाँ से अराउंड शायद 6 किलोमीटर है। पहुँच गया हूँ मैं स्टेशन, और मैंने पेठा वगैरह भी ले लिया है, यहाँ पे फ्लैग के पीछे आगरा कैंट स्टेशन है। चलो चलते हैं, ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि सामान बहुत हो गया, जैसे देख सकते हो। स्टेशन तो आ गया था, प्लेटफॉर्म एक पे बैठा था, बट एक दिक्कत ये हो गई है, मेरी जो महाकौशल ट्रेन है वो अभी अनाउंसमेंट हुई कि 3 नंबर पे आएगी, तो मैं 3 नंबर पे जा रहा सारा सामान लेके। तो गाइस अब मैं आ गया प्लेटफॉर्म 3 पे, काफ़ी दिक्कत हो गई, बट ये अच्छा थी कि यहाँ पे एलिवेटर्स है, तो मैं नीचे उसी से आगे सामान वगैरह लेके अब वेट करते हैं हमारे ट्रेन का, थोड़ा शायद 20 मिनट्स लगने वाला है, दिक्कत तो नहीं आ रही। यहाँ प्लेटफॉर्म 3 अपन आ गए, यहाँ पे वेट करते ट्रेन का, सामान बस हो गया था, वो दिक्कत नहीं है। एंड आई डोंट नो बंदे घूरते क्यों हैं, मतलब लोग घूरते क्यों जब भी मैं या कोई भी कैमरा उठा के कुछ करे, मतलब फोटोग्राफर्स तो अब नॉर्मलाइज हो गया है, बट अभी जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। मतलब अगर आप पब्लिक में जाके अगर आप मोबाइल से भी वीडियो बनाओगे ना, तो आपको सब घूरने लगेंगे। और अभी तो मैं ट्राईपॉड नहीं लिया हूँ तब तो, नहीं तो और घूरते, नहीं सोचते कि ये मूवी वगैरह बन रही है। एंड अभी भी एक आदमी बताऊँ, एक तो तेज से घूर रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको, मैं दिखाऊंगा नहीं कैमरा, नहीं तो वो फिर कुछ बोलना लगे। चलो अपन वेट करते ट्रेन का, फिर चलते हैं सतना के लिए, अराउंड 12 घंटे लगने वाले, लेट्स सी अपन कितने बजे पहुँचते हैं। फिर से मेरे को कोई घूर रहा है, अजीब सा लगता है, मतलब ऐसे घूरना नहीं चाहिए, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो वेट करते अपन। सामान सारा मैंने रख लिया, यहाँ से मैं आया और मेरी ट्रेन आ गई है, और ये अच्छा होगा कि यहीं पे रुकेगी S5 पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ट्रेन में आ गया था, पता नहीं कोई स्टेशन आया है, मैं चिप्स ले लिया हूँ, चाय वगैरह भी आ रही है, पता नहीं लिया नहीं, फिलहाल तो मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था, यहाँ पे एक चार्जर मिल गया था। The next day. तो गाइस 5 बज गए और फाइनली अपन पहुंच गए सतना, देख लो 4:56 हो रहे हैं। गाइस फाइनली पहुंच गए सतना, देख लो यार काफ़ी दिनों बाद सतना के दर्शन हुए।
तो दोस्तों अब आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब, और आप लोग बताना आप लोग को ये जयपुर और आगरा वाली सीरीज कैसी लगी। अराउंड इसके 9 एपिसोड मैंने डाल दिए, 9th वाला था, और मेरा प्लान था यार 10 एपिसोड डालने का, बट मैं बोला लास्ट का थोड़ा सा ही मेरे पास पार्ट बचा है, तो मैं बोला चलो एक एपिसोड फालतू क्यों बनाए, इसी को इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप लोग बताना आप लोग को ओवरऑल सीरीज कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने ये वाली सीरीज पूरी कंप्लीट देखी नहीं है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, तो आप सारे एपिसोड्स को बिंज वॉच कर लेना। और अभी अराउंड देखो 9:30 हो रहा है ऑलमोस्ट, मैं एडिटिंग कर रहा था और अभी मैं हूँ दिल्ली में, मेरी सेकंड सीरीज भी आने वाली बहुत जल्द, ये वाला थोड़ा सा पेंडिंग व्लॉग हो गया, और बहुत सॉरी यार थोड़ा अपन डिले हो गए व्लॉग्स में, क्योंकि एक दिन मैं ब्रेक ले लिया था, तो ब्रेक के चलते सारे व्लॉग्स पेंडिंग में हो गए। और आज वैसे 25th December है, क्रिसमस है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, अच्छे से क्रिसमस बनाए हो गए आई होप। तो चलो अपन इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, और इसके बाद आएगा मेरा दिल्ली और लुधियाना की सीरीज, और एक और हिल स्टेशन भी जा रहा हूँ, तो उसकी भी आपको वीडियो बहुत जल्द मिलने वाली है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लास्ट तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो थैंक वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।